ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उस आटे के बूरू का है जो हमें बिलासपुर ज़िला के जो जहाँ से राशन कार्ड डिपो वगैरह वहाँ से मिलता है। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से मिला है। और इस आटे के ऊपर जो ये जहाँ की ये बना हुआ है वो साई एग्रो फूड्स नालागढ़ कसौली की तरफ से है जी। ये मैं उसका आप उसको पढ़ सकते हैं, साई एग्रो फूड्स, और ये है कसौली पीओ कालीबाड़ी। तो ये बोरू मैंने, हम तीन चार बंदों ने मिलकर के एक बोरू खरीदा घर के लिए, आटे की हमें ज़रूरत थी। तो अभी तक हमने इस बोरू को खोला नहीं है, बोरू बिल्कुल बंद है। ये आप देख रहे हैं कि बोरू बंद है, इसको हमने खोला नहीं हुआ है। तो एक जगह से थोड़ा ये फटा हुआ था, तो उस वहाँ से जब हमने आटा निकाल करके देखा तो भाई साहब आप ज़रा बताएंगे कि ये आटा कैसा है। आदमी तो क्या खाना, ये पशु भी नहीं खा रहे हैं इसको तो। हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये आटा जो है, ये आदमी तो खैर क्या खाएंगे, अगर पशु भी खाएंगे तो वो भी शायद बीमार हो जाएंगे। ये हालत है हमारे सिस्टम का। थोड़ा और निकालिए आटा बीच में जी। ये बोरू बिल्कुल बंद है, आप देख रहे हैं ये बोरू बिल्कुल बंद है, इसमें केवल हम आटा निकाले हैं। ये आटा देखिए, है नहीं घटे या बजे ये देखिए हमारा, जैसे जैसे सीमेंट का कोई बोरू होता है इस प्रकार का ये आटा है। ये हाल है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। देख लो हाँ, ये आटा है जो हमें मिल रहा है। अब बताओ कौन कौन इसको खाएगा, ये आदमी को खाने लायक तो क्या कह रहे हैं? है नहीं, पशुओं भी नहीं बन रहे। हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि इसको तो पशु भी नहीं खाएंगे, और वाकई इसको पशु नहीं खाएंगे। बड़े दुख की बात है, मैंने इस बारे में पहले भी फेसबुक के माध्यम से प्रश्न उठाया था कि हमें जो आटा मिला है ये बहुत ही निम्न श्रेणी का है। हम बंदे थोड़े ही हैं, हम तो जानवर हैं, हम जानवरों से परे हैं। ना तो सरकार के कान पे जुड़ूंगी, ना इस ये जो हमें आटा सप्लाई करी इस फर्म के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, और ये निरंतर तभी से आटा ऐसा चल रहा है। ये मैंने जब डिपो वाले से बात करी तो कहते भाई इसमें हमारा क्या कसूर है, ये आटा हमें सरकार से जैसा था आता हम वैसे ही आपको दे देंगे। तो अब आप, मैं प्रश्न करना चाहूँगा उन मंत्रियों से, विभाग इस विभाग के अधिकारियों से, कि या तो उनकी इसमें कोई मिली भक्त है तब हम इस प्रकार का गंदा आटा हमें दे रहे हैं। थ्री डी की तो चली गई इसमें इसमें, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कीड़े, इसमें कीड़े चले हुए हैं। कीड़े अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कीड़े भी आपको नजर आए, वो काले रंग का कीड़े चले हुए हैं। देखो आटे का, आप आटे का आप रंग देखिए क्या चीज़ है। ये हमें चीज़ खिलाई जा रही है सस्ते अनाज के रूप में। तो मैं चाहूँगा कि इस बात की पूरी इंक्वायरी की जाए। मैं कमल देव कौशल त्रिशू से बोल रहा हूँ, इस बात विभाग के आगे ये मेरी पोस्ट जो भी को पड़े इसको शेयर करें, और विभाग ताकि विभाग जो कुंभकर्ण के नीचे सोया हुआ है और हर गला सरा माल जो है वो हमें वो दे रहा है, ये सैंपल अच्छा भेजते हैं और जनता कुछ और खिलाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बारे में पूरी इंक्वायरी की जाए। मैंने बोरो भी बंद ही रखा है, इसको मैंने खोला नहीं हुआ है। कोई भी आदमी आकर के विभाग का हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आकर इसको चेक कर सकता है, इस आटे की क्वालिटी चेक कर सकता है। मुझे किससे विरोध करने की बात है, लेकिन इतना गंदा अनाज अगर हमें दिया जा रहा है तो ये तो हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है और विभाग के लिए भी शर्म की बात है। धन्यवाद।